कहाँ से आई हैं? सर मैं नेपाल से आई हूँ। अरे वाह। हर किसी का कोई ना कोई पास्ट जरूर रहता है, कोई ना कोई कहानी जरूर होती है, और आज इस कहानी में हम बात करने वाले हैं नेपाल की मेनुका की, जो कि इंडियन आइडल जितने बड़े शो को खुद के दम पर सुपरहिट साबित करने का दमखम रखती हैं। मेनुका ने अपनी म्यूजिकल जर्नी साल 2017 में नेपाल आइडल से शुरू की थी। हालांकि दुर्भाग्य से मेनुका इस शो के टॉप 5 सिंगर्स में भी शामिल नहीं हो पाई थीं और वो इस शो से जल्दी ही एलिमिनेट हो चुकी थीं। लेकिन मेनुका को जिस चीज की जरूरत थी, यानी कि प्रसिद्धि की, वो मेनुका को इस शो से प्राप्त हो गई थी। नेपाल में मेनुका को काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली नेपाल आइडल से, और फिर आया साल 2018 और इस साल उन्होंने पार्टिसिपेट किया सारे गमा पासो में और वो इस शो पर सिलेक्ट हुई। लेकिन मेनुका को अपने घर के इश्यूज के चलते इस शो से बाहर होना पड़ा। कुछ ऐसे कारण बने जिस वजह से मेनुका खुद इस शो से बाहर हो गई, यानी कि वो इस शो पर आई और उन्हें ऑडिशन में सिलेक्शन मिला, लेकिन किसी कारण बस वो खुद से इस शो से बाहर हो गई। फिर आया साल 2023, यानी कि इंडियन आइडल का सीजन 14, और इस शो ने उन्हें वो मुकाम हासिल कराया जिसकी मेनुका हकदार थी। मेनुका ने एक शानदार ऑडिशन दिया और वो जजेस को इम्प्रेस कर गई, और आज आलम यह है कि मेनुका की वजह से इंडियन आइडल शो को जाना जाने लगा है। मेनुका को इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी खूब सर्च किया जा रहा है, काफी पसंद किया जा रहा है उनकी सिंगिंग को, और वो रातों रात अब स्टार बन चुकी हैं। तो ये थी मेनुका की छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेनुका के सिंगिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब।